हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। फास्फीन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो सब बच्चे ध्यान देंगे। देखो बेटे, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉस्फीन या PH3 बनाने की प्रयोगशाला विधि। इस विधि में आप सबसे पहले तो इस रिएक्शन को याद करके जाओगे, इस अभिक्रिया को। P4+3NaOH +3H2O = 3NaH2PO2 +PH3। इसमें आपको एक बात लिखनी है कि प्रयोगशाला में फॉस्फीन गैस बनाने के लिए सफेद फास्फोरस को, ये फास्फोरस कैसा है? सफेद फास्फोरस को कंसंट्रेट NaOH के जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है। और कैसे वातावरण में? निष्क्रिय वातावरण में। तो आप ध्यान रखोगे कि आपके पास सफेद फास्फोरस होना चाहिए और NaOH का सांद्र जलीय विलयन होना चाहिए और निष्क्रिय वातावरण होना चाहिए, कोल गैस का निष्क्रिय वातावरण, तो आपको फास्फीन गैस प्राप्त होगी। तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि इस लैंग्वेज को, रिएक्शन को लिखने के बाद आप विधि हेडिंग डाल के विधि में चित्र बनाओगे। विधि इसमें आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है, इस डायग्राम में जो आप चित्र में बनाओगे वही आपको लिखना है थ्योरी में। क्या? देखो, हमारे पास बर्नर है, लोहे की जाली है, लोहे की जाली के ऊपर गोल पेंदी का फ्लास्क रखा हुआ है। गोल पेंदी के फ्लास्क में अंदर क्या है? सफेद फास्फोरस इसकी तली में है और आपने कंसंट्रेट NaOH का विलयन भर रखा है और कंसंट्रेट NaOH के विलयन में ही आप बाहर से कौन सी गैस प्रवाहित कर रहे हो? कोल गैस, अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए या निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए। इसमें एक निकास नली लगी हुई है और निकास नली आपकी जा रही है जल विस्थापन पात्र में। कहाँ जा रही है? जल विस्थापन पात्र में। और यहाँ से ऊपर जो है, ये जो बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, ये बुलबुले किसके हैं? फास्फीन गैस के। किसके हैं? फास्फीन गैस के बुलबुले। तो अब इसे मेथड को पूरा समझेंगे हम ध्यान से। देखो, सर्वप्रथम एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में सफेद फास्फोरस की कुछ मात्रा ली जाती है जिसमें सांद्र NaOH का लगभग 30 से 40% विलयन, जलीय विलयन भरा जाता है। इस मिश्रण में बाहर से कोल गैस प्रवाहित की जाती है जो मिश्रण में अक्रिय वातावरण या निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करती है। इस फ्लास्क को एक बर्नर के द्वारा गर्म करते हैं। बर्नर के द्वारा गर्म करने से फास्फीन गैस प्राप्त होती है। यह फास्फीन गैस निकास नली से होती हुई, ये कहाँ से जाएगी? निकास नली से। पर एक बात ध्यान रखनी है आपको कि ये कोल गैस क्यों प्रवाहित करी गई? निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए हमने कोल गैस प्रवाहित की है फ्लास्क में। और दूसरी बात यह ध्यान रखनी पड़ेगी कि निकास नली से जो आपको फास्फीन गैस प्राप्त हुई, उस फास्फीन में P2H4 की कुछ अशुद्धि उपस्थित होगी और इस P2H4 की अशुद्धि के कारण ही फास्फीन गैस क्या होती है? ज्वलनशील होती है। निकास नली से वो फास्फीन गैस होते हुए कहाँ चली जाएगी? जल विस्थापन पात्र में। तो ये जो बुलबुले हमें दिखाई दे रहे हैं, ये बुलबुले किसके हैं? फास्फीन गैस के। फास्फीन जितना ज्यादा ऊपर एकत्र होती जाएगी, जल का तल उतना ही नीचे गिरेगा। ये जल का तल पहले यहाँ था, अब यहाँ से नीचे इसलिए आया क्योंकि जितनी ज्यादा फास्फीन गैस यहाँ इकट्ठी हो रही, उतना ही लेवल क्या हो रहा? डाउन। तो यहाँ जो हमें फास्फीन गैस प्राप्त होगी, उस फास्फीन गैस में लिखा हुआ P2H4 की अशुद्धि के कारण क्या होती है? ज्वलनशील। ये बर्फ से ठंडा किया गया पानी है, ठंडा पानी है बहुत ज्यादा। अब एक बात ध्यान रखनी है कि शुद्ध फास्फीन प्राप्त करने के लिए NaOH का एल्कोहलिक विलयन प्रयोग करते हैं। यदि आपको शुद्ध फास्फीन गैस बनानी है तो आपको
NaOH का जलीय विलयन ना प्रयोग करके, देखो यहाँ NaOH का जलीय विलयन प्रयोग करा ना हमने, इसलिए हमारा जो है P2H4 भी साइड प्रोडक्ट बन गया एक, जो अशुद्धि के रूप में उपस्थित है। यदि आप NaOH का जलीय विलयन यानी कि NaOH को पानी में ना घोल के NaOH को एल्कोहल में घोल लो और फिर इस प्रैक्टिकल को करो, इस विधि को प्रयोग करो, तो आपको यहाँ जो फास्फीन गैस मिलेगी वो शुद्ध फास्फीन गैस प्राप्त होगी। ठीक है। तो बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में बिल्कुल पक्का करके जाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल पक्का करके जाना है। बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक।